फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज्यादा चटपटा कुरकुरा और करारा नाश्ता, जिसे हम बनाएंगे बिना आलू के। ना कच्चा आलू, ना पक्का आलू, ना ही बेसन की जरूरत पड़ेगी, ना ही सूजी की जरूरत पड़ेगी। और इस रेसिपी को आप एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। और ये रेसिपी खाना तो दूर की बात है, आपने पहले कहीं देखी भी नहीं होगी। इस रेसिपी की खासियत ये है कि आप इसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और ये एक बूंद तेल में तैयार हो जाती है। तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम बहुत ही आसान रेसिपी लेके आते हैं, वो भी किचन में मौजूद चीजों से, जिसे बनाकर आप सभी का प्यार और दिल जी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ चीजें ली हैं, आपको बता देते हैं। 2 ग्रीन चिली ली है, जो हमारी तीखी वाली है। अगर आपकी तीखी वाली ना हो तो आप 4 से 5 ले लेना। 5 लहसुन की कलियां लिया है, जो पतली पतली है। अगर आपकी मोटी है तो आप 3 ही ले लेना। और यहाँ पे हमने आधा प्याज को 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। और अगर आप प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, तो आप इसको हटा सकते हैं। अगर आप अदरक खाते हैं तो आप अदरक का भी सेवन कर सकते हैं। इस रेसिपी में अदरक भी डाल सकते हैं। मेरे पास अदरक है नहीं, इसीलिए मैंने नहीं डाला है। अगर आपके पास हो तो जरूर डालना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो एक मिक्सी का जार ले लेंगे छोटा वाला, उसके अंदर हम ये सारी चीजें फटाफट ट्रांसफर करेंगे बिना टाइम को बर्बाद किए। और हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और लुक भी आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे 15 कड़ी के पत्ते, जिसको मीठी नीम भी बोला जाता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अगर कड़ी पत्ता मिले तो जरूर डालना, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा आपकी रेसिपी में। तो यहाँ पे कई जगह पे इसे मीठी नीम भी बोला जाता है। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमारी तरफ इसे कड़ी पत्ता और मीठी नीम भी बोला जाता है। ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ इसकी सुगंध बहुत ही प्यारी होती है, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है। और अब इसमें हम प्रोटीन से भरपूर डालेंगे चने, जो बच्चे खाने में बहुत ज्यादा नखरे करते हैं। और घोड़े को आपने देखा होगा कितनी तेजी से दौड़ता है, क्योंकि वो चना खाता है। चना में जो पाया जाता है बहुत सारा प्रोटीन के साथ साथ आयरन भी, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ साथ आपको जोश से भर देता है। तो यहाँ पे मैंने जो चने लिए उसको मैंने भिगो कर लिया था। अगर आपके पास रात भर के भीगे चने हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर रात भर का भीगा चना नहीं है तो आप कम से कम इसे 5 घंटे तक भिगो कर ले लीजिए। और फिर इसके बाद मैंने इसका सारा पानी रिमूव कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको बॉयल नहीं किया है, सिर्फ भिगा हुआ चना लिया है। और इसको हम अपने जार में ट्रांसफर करेंगे, ये लीजिए इस तरह से। नमक का हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और अब हम अपने जार को इस तरह से कवर कर देंगे और इसका हम पेस्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा फाइन नहीं करना है, हल्का सा दरदरा रखना है। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डियर। तो फ्रेंड ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको पीस लिया है और इसको मैंने दरदरा रखा है। बहुत ज्यादा इसको हमने बारीक नहीं पीसा है, आपको भी बिल्कुल बारीक नहीं करना है। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से होना चाहिए। इस तरह से आपका दरदरा होना चाहिए बिल्कुल। अगर आप बारीक कर देंगे तो देखने में लुक अच्छा नहीं आएगा। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ, आगे का हम गैस पे करेंगे। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, हमने एक कढ़ाई ली है। आप कोई भी कढ़ाई लीजिए, लोहे की या अल्मोनियम की या मेरी तरह नॉनस्टिक, थोड़ी सी भारी लीजिए। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 1/2 टीस्पून तक। जब ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे अजवाइन, तो अजवाइन डालना है। फिर उसके बाद 1/4 चम्मच हींग डालेंगे और दोनों को हम चटकने देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे अजवाइन और हींग का जो कॉम्बिनेशन है इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे प्याज, जो हमने इस तरह से बारीक बारीक कट कर ली है। 1 चम्मच ही प्याज डालनी है, क्योंकि हमने प्याज को पीसा भी है। अगर आपने प्याज पीसी ना हो तो आप यहाँ पे प्याज की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है। जब हमारी प्याज देखिए हल्की हल्की सी पिंक हो जाएगी, तो ये जो हमारा मिश्रण था इसको हम फटाफट यहाँ पे ऐड करेंगे सारा का सारा। तो यहाँ पे अच्छे से निकाल कर ऐड करेंगे ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। ये देखिए इस तरह से जार को साफ कर लेंगे। अब मैंने ट्रांसफर कर लिया है, अब मैं इसकी भुनाई करूंगी। तो यहाँ पे हमें इसको 1 से 2 मिनट तक भूनना है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पे जब दाल आप अच्छे से पीस लेंगे यानी चने को, तो बिल्कुल अच्छे से इसका रिजल्ट आएगा। तो अगर आपके पास चना ना हो तो आप चने की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, या फिर आप कोई भी अपनी मनपसंद दाल को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चने का जो कलर है वो भूनने के बाद इस तरीके से आने लगता है। तो यहाँ पे धीमी धीमी आंच पर हमें इसे 2 मिनट तक भूनना है। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, देख लीजिए इसका कलर जो था वो बिल्कुल अच्छे से चेंज हो चुका है और ये कुक हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहली चीज नमक, क्योंकि कोई भी चीज बना रहे हैं बिना नमक के इसका कोई टेस्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, जितना नमक चाहे उतना डाल सकते हैं। और मैं बहुत ही कम तेल में बना रही हूँ तभी ये नीचे लग रहा है। अगर आप चाहे तो थोड़ा सा तेल बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी खाते हैं तो आप थोड़ा सा कम ही तेल डालेंगे तभी ये नाश्ता हेल्दी बनेगा। नमक डालने के बाद अब इसमें हम 1/2 टीस्पून तक डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी।
हाफ टी स्पून तक टर्मरिक पाउडर के बाद हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, अगर आप चाहें तो कुट्टी वाली भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर चाट मसाला, अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप लोग ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई डाल सकते हैं, आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला जो मेरा होममेड है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर कर देंगे। अब सारे मसालों को हम इस तरह से मिलाते हुए 10 से 15 सेकंड तक भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए, और यहाँ पे पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और मसालों को हमें धीमी धीमी आंच पर 10 से 15 सेकंड तक भूनना है, अगर मसाले आपके कच्चे होंगे तो नाश्ते का जो टेस्ट है वो अच्छे से निकल कर नहीं आएगा, इसीलिए मसालों को अच्छे से भूनिए। तो फ्रेंड देखिए 10 से 15 सेकंड के बाद मसालों में से एक प्यारी सी खुशबू आने लगी है और इस तरह से हमारा ये मिश्रण पैन छोड़ने लगा है, तो देखिए कितना ड्राई ड्राई सा है, इसी वजह से आप इसे स्टोर कर पाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच फ्रेश कटा हुआ धनिया, जिसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए यानी पानी नहीं होना चाहिए। अगर आप हरा धनिया नहीं खाते तो आप इसकी जगह पे पुदीना डाल सकते हैं या फिर कम भी हरा धनिया डाल सकते हैं। तो ये हमारा चटपटा तैयार हो चुका है, अब इसको हम निकाल कर ठंडा करेंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है हम दूसरा काम कर लेते हैं, इसे साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने लिया है गेहूं का आटा जो हमारा 3 से 4 रोटी का होगा, ये हमारा रात का आटा है, आप चाहे तो फ्रेश आटा भी गूंथ सकते हैं। अगर आप फ्रेश आटा गूंथेंगे तो आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप रात का बचा हुआ आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बड़े साइज के बर्तन में हम इसको ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये आटा हमारा जो था वो रात का है, इसमें कुछ भी नहीं है, प्लेन आटा है, रोटी के लिए मैंने गूंथा था। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच देसी घी, आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं लेकिन देसी घी डालने से रिजल्ट अच्छा आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक नमक, क्योंकि हमारा नमक पहले से भी मौजूद है उस रेसिपी में जो हमने इस्तेमाल किया था, यानी नमक हमारा इसके अंदर भी है। तो देखिए ये जो हमने बना के रखा था इसके अंदर नमक पहले से मौजूद है, इसलिए हमने ज्यादा नमक नहीं डाला है। अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन, तो यहाँ मैंने 1/2 चम्मच अजवाइन को इस तरीके से हाथ से मसल कर डाला है, और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप फ्रेश आटा गूंद रहे हैं तो आप घी और नमक और अजवाइन तीनों डालकर आटे को गूंद लेना, अगर नहीं गूंदा है तो इस तरीके से मिला सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से गूंदेंगे 1 से 2 मिनट तक। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने गूंद गूंद के सारा अच्छे से मिला दिया है, और अब हम इसको 1 से 2 मिनट का टाइम देंगे ताकि आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि हल्का सा ठंडा है ये, क्योंकि फ्रिज से निकाला था। और अब इसको हम थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए 1 से 2 मिनट का टाइम देंगे, फिर उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड 1 से 2 मिनट हो चुका है, आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयां काटेंगे इस तरीके से, जितनी आप चाहें उतनी छोटी रख सकते हैं, जितनी चाहें बड़ी रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से मैं इसको डिवाइड कर लूँगी, और अब मैं एक लोई लूँगी, कोई सी भी ले लीजिए, और इसको इस तरह से हम थोड़ा सा हाथ में लेके मस लेंगे, और अब इसको हम फ्लैट कर देंगे। अब थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसे रोल आउट करना है डियर। तो मैं गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो मैदा भी लगा सकते हैं इसके ऊपर या चावल का आटा। अब इसको हम इस तरह से ऊपर से नीचे कोटिंग कर लेंगे, अब इसे हमें रोल आउट करना है। तो यहाँ पे हमें इसको पतला बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, जैसे हम चपाती बेलते हैं उसी तरीके से हमें इसे बेलना है, कहीं से ऊँचा नीचा नहीं होना चाहिए, अगर गोल नहीं बनता तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है, बहुत ज़्यादा मैंने इसको पतला भी नहीं रखा है ना बहुत ज़्यादा मोटा, इस तरीके से आपको करना है। अब हम नॉर्मल वाटर लेंगे, ना ठंडा ना गर्म, और इसके हमें सेंटर पे इस तरह चारों तरफ अप्लाई करना है, सिर्फ सेंटर सेंटर में, बीच को छोड़ देना है। तो ये काम आपको ज़रूर करना है, इससे जब हम इसे शेप देंगे तो ये खुलेगा नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए कर लिया है, अब इसके बाद जो हमारा ये तैयार था इसको हमें जितना चाहें उतना इसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप भर भर के भरना, तभी मज़ा आएगा खाने में, और आप इसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, और हम इसे कम तेल में बनाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने डाल दिया है, अब हम इसको बिल्कुल बीचों बीच में करेंगे, और यहाँ पे हम इसको इस तरह से ऊपर की तरफ पुश करते हुए इसकी एक पोटली बनाएंगे, ये देखिए, और इसको हमें आगे की तरफ यानी ऊपर की तरफ लेकर आना है, और जो एक्स्ट्रा आटा हमारा बचेगा उसको हमें इसके ऊपर इस तरह से फैला देना है, और अब हम इस तरह से इसको कर लेंगे। तो ये रेडी हो चुका है, इसी तरीके से बाकी बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डियर। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने रेडी कर लिया, आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, सलो फ्राई कर सकते हैं, मैं इसे बहुत ही कम तेल में बनाऊंगी। तो चलते ही गैस की तरफ फटाफट बना के दिखाती हूँ, आप इस तरह से बना के इसे स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में, जब आपके मेहमान आए आप इसे बना सकते हैं। तो चलते गैस की तरफ आपको बताते हैं कम तेल में कैसे आप इसे कुरकुरा बना सकते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, एक हमने फैन लिया है, आप चाहे तो कढ़ाई और तावे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा इस तरीके से हम इसके अंदर इसको लगा देंगे, यहाँ पे आप इतने ही डालिए जितने कि आपको पलटने में कोई दिक्कत ना हो।
अगर आप इसमें ढेर सारे डाल देंगे तो आपको पलटने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे हमें इसे लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक पकने देना है, फिर उसके बाद हम इसे टर्न करेंगे, फिर उसके बाद हम बाकी बनाएंगे। तो फ्रेंड 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम आराम से टर्न कर देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ चुका है इसका, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे आपको इसे धीमे से पलटना है, बहुत ज़्यादा तेज से नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जब एकदम लाल हो जाए, गोल्डन ब्राउन, तब आप इसको पलटिएगा और दूसरे साइड से भी 2 मिनट पका लेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, देखिए बहुत ही कम तेल में हमारा कितना बढ़िया सा नाश्ता तैयार हो चुका है। अब इसको हम फटाफट निकाल लेते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए, और बाकी भी हम इसी तरीके से बनाने के बाद आपसे मिलते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा डियर। ये देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट है फ्रेंड, लीजिए हमारा खूबसूरत सा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है, जो देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा हेल्दी है, लाइट वेट है और कम ऑयल का है। आप इसे आराम से 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। देख लीजिए इसको करीब से कितना प्यारा लग रहा है, जितना देखने में खूबसूरत लग रहा है उससे ज़्यादा क्रिस्पी है, करारा है। आपको दिखा देते हैं, ये देखिए कितना क्रिस्पी है। कैसी लगी आपको ये अमेजिंग सी रेसिपी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। और देखिए जो इसकी लेयर है कितनी पतली है और कितने अच्छे से मैंने इसके अंदर स्टफिंग भरी है। इसे मैंने सर्व किया है केचप के साथ, आप इसे मोमोज चटनी के साथ या चाय के साथ भी खा सकते हैं। और सारे ही हमारे क्रिस्पी और करारे बने हैं, ये देखिए, और सारे के अंदर मैंने अच्छे से फिल किया है। जब आप लेयर पतली रखेंगे तभी आपको मजा आ जाएगा। तो देखिए चारों तरफ कितने अच्छे से स्टफिंग हमारी फैली है। और आपको ये अमेजिंग सी रेसिपी कैसी लगी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक जरूर दे देना और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, तब तक इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए, जिसे हमने बिना आलू के बनाया है, न कच्चा आलू न पक्का आलू, और प्रोटीन से भरपूर है। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।